वाराणसी से हैं, जहां नगर नियम की नियमित कार्रवाई के तहत परिवर्तन दल व निगम अधिकारियों के साथ टीम ने स्वच्छता और अतिक्रमण अभियान को लेकर हजारों के चालान काटे और जुर्माना भी वसूला। इसी दौरान सिगरा क्षेत्र के सिद्धिगिरी बाग में कई लोग अपना अतिक्रमण समेटते नजर आए और कई लोगों ने जुर्माना देकर माफी भी मांगी, जिन्हें अग्रिम चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। वहीं अधिकारियों ने नालियों की साफ सफाई और प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर कड़े निर्देश दिए। गंदगी को रोकने के लिए गंदगी लोग जो कर रहे हैं उसमें अतिक्रमण एक प्रमुख कारण है। अतिक्रमण का और गंदगी को रोकने के लिए सबको प्रेरित करने के लिए कि सब लोग डस्टबिन रखें, अपना कूड़ा डस्टबिन में डालें और उस कूड़े को ले जाके हमारे डोर टू डोर कलेक्शन के वाले जो सफाई मित्र हैं उनको दें, जिससे कि हम साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करें और लोगों का हमें इसमें सहयोग। ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि पटरियों पर बहुत सारा अतिक्रमण फैला हुआ है, उसको कई बार कार्य किया जाता है लेकिन पुनः वह स्थापित हो जाता है, तो इसके प्रति आप लोग क्या कुछ विशेष? ये मुख्य मुद्दा अगर हम कहें चाहे गंदगी हो चाहे अतिक्रमण, ये जन जागरूकता की बात है। लोगों को खुद समझना होगा कि हमारा शहर है, हमें अपने शहर को साफ रखना है, अतिक्रमण नहीं करना है। ये लोगों को खुद समझना होगा। प्रशासनिक कार्रवाई तो गाहे बगाहे चलती ही है, हम लोग लगे ही रहते हैं, लेकिन जब तक जनमानस में जागृति नहीं आएगी तब तक इस कार्य को एकदम पूर्णतया प्राप्ति कर लेना बड़ा मुश्किल।